ये कहानी सभी पीड़ित बहनों के लिए, उनके हक के लिए, अपने अधिकार के लिए। लड़की के हाथों में दे दो वो बेल्ट, चूड़ी कंगन पहन लो फिर देखो खेल। फूक फूक के चूल्हे में रोटी बनाती, भूखे ना रहो तुम खुद भूखी सोती। सोच रहे होंगे क्यों बता रहा बात, जिस दिन समझोगे दे दोगे साथ। सुन वो दर्द लड़की की जुबानी, कोई फिल्म नहीं बेटा हसरत की कहानी। तड़पती रही चिल्लाती रही रोती रही सारी रात, मस्ती में सोए तुम ना खोली आँख, ना खोली आँख, ना खोली आँख। आँखें खोलने का अब वक्त आया है, इंडिया में नहीं माहौल दुनिया में छाया है। कोई नहीं साला मैं हूँ अकेला, ले लो वो रस्सी अब मैंने ठाना। कानून के रखवालों से उठ गया भरोसा, जनता ने नहीं इन्हें सरकार ने है पोसा। गुड़िया थी माँ बाप के एक बार तो पूछा होता, अंतिम चेहरा देखने का न्योता तो दिया होता। कैसा ये कानून कैसा नेता साला, बिना पूछे ही उसका शव जला डाला। बिकती ये दुनिया का मेल, बच के रहना बहन ये हैवानों का खेल। कब तक ये कैंडल जलाते रहोगे, कब तक गला फट चिल्लाते रहोगे। छोड़ो ये कैंडल छोड़ो चिल्लाना, ले लो ये रस्सी मैंने है ठाना। फांसी दो पिछले कई साल अखबार में पढ़ा था, उन चारों का तो बेटा एनकाउंटर हुआ था। न्याय न्याय की बात जात पात क्यों लाते हो, करना हो इंसाफ अपना फर्ज क्यों भूल जाते हो। महाराष्ट्र के कोपर्डी में घटना तो राय थी, जाग गई थी सारी जनता, सरकार तो सोई थी। आसिफा का एक एक लहू धरती पर गिराया था, हिंदुस्तान का सारा काम आंसू बहाया था। माना बदनाम मीडिया पुलिस से भी लड़ी थी, एबीपी की रिपोर्टर प्रतिमा भी खड़ी थी। सलाम उस बंदी को दिखाई कहानी, असल में मर्दानी वही झांसी वाली रानी। बस करो ये खेल फेंक, झांक तेरे घर में देख, तेरी बहन सच्ची है वो भी किसी की बच्ची है। जो भी मैं ये कहता हूँ कहानी हुई हसरत में है, 5 साल की हर एक बच्ची सालों तुम्हारे डर में है। ये एक हमारी छोटी सी कोशिश, उन्हें न्याय मिले इसलिए।